इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बड़े रंधे का प्रयोग कैसे किया जाता है। रंधों का प्रयोग लकड़ी को चिकना और उसकी मोटाई को समतल बनाने के लिए किया जाता है। अधिकतर बड़े रंधों में ब्लेड 45 डिग्री के कोण पर जुड़े हुए होते हैं, जो आमतौर पर 25 डिग्री पर तिरछे होते हैं। रंधे के मुख्य भाग है बॉडी, ब्लेड, पीछे का हत्ता और नॉब। सुनिश्चित करें कि ब्लेड की धार तेज हो। ब्लेड बहुत अधिक बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह लकड़ी को खराब कर सकता है। जब आप रंधे के नीचे जीरी के ऊपर उंगली घुमाते हैं, तब आपको लगभग आधे से एक मिलीमीटर तक ब्लेड बाहर निकला हुआ महसूस होना चाहिए। यदि आप दाहिने हाथ से कार्य करते हैं, तो अपने दाहिने हाथ से हत्ता और अपने बाएं हाथ से नॉब पकड़े। यदि आपका हाथ हत्ते से बहुत अधिक बड़ा है, तब अपनी तर्जनी उंगली को दोनों आयरन के साथ आगे की ओर रखें। बाएं हाथ से नॉब के पीछे बल लगाने से स्थिरता मिलती है। लकड़ी को शिकंजे में कसे। रेशों की दिशा में रंधा करें। यदि रंधा लकड़ी को छील नहीं रहा है, तब हत्ते के आगे पहिए को ठीक करें। ब्लेड को थोड़ा और बाहर निकालने और ज्यादा मोटा छीलने के लिए इसे दाईं दिशा में घुमाएं। जब आप शुरू करते हैं, रंधे के पिछले हिस्से की तुलना में आगे की ओर ज्यादा वजन डालें। फिर जब आप एक स्ट्रोक समाप्त करते हैं, तब वजन को दूसरी ओर डालें। ध्यान रखें कि आप सिरे की ओर वजन कम डालें, अन्यथा रंधा नीचे की ओर गिरेगा और लकड़ी खराब हो जाएगी। जब आप दूसरे स्ट्रोक के लिए वापस आते हैं, तब रंधे पर से वजन हटाएं और इसे ऊपर उठाएं। लकड़ी के ऊपर पीछे की ओर घसीटने से ब्लेड की धार खराब हो जाती है। रेशों की विपरीत दिशा में रंधा न करें। जब आप रेशों की विपरीत दिशा में रंधा करते हैं, तब छिलने के बजाय लकड़ी के रेशों के टूटने की संभावना अधिक होती है। दोनों हाथों से रंधा करें। यदि आप नॉब पर से हाथ हटा लेते हैं, तो रंधा फिसलेगा और लकड़ी को नहीं छिलेगा। पेंट और अन्य दूसरी फिनिश से रंधे के ब्लेड की धार जल्दी खराब हो सकती है। रंधा करने से पहले स्क्रेपर की सहायता से पेंट या फिनिश हटाएं। अब आपने सीख लिया है कि रंधे का प्रयोग कैसे किया जाता है।